जय हिंद व्यापचो, जिज्ञासा गणित की ऑनलाइन क्लास में मेरा सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं व्यापचो इस प्रैक्टिस सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा, पहला प्रश्न है। यहां पर ए मोहम्मद आजम, बी है मुअज्जम, सी है कामबख्श और डी कहता है मोहम्मद अकबर। तो भैया यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो भैया मुअज्जम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर पहला प्रश्न है ए रफी उद दरजात ने, और बी कहते हैं रोशन अख्तर ने, सी कहते हैं रफी उद दौला ने और डी कहते हैं फरुख सियर ने। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी। पहला ऑप्शन है अकबर द्वितीय ने, बी है बहादुर शाह द्वितीय ने, सी है आलमगीर द्वितीय ने और सी कहते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अकबर द्वितीय यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई। ए मोहम्मद कामबख्श, बी है रफी उद दरजात, सी है रफी उद दौला और डी कहता है मोहम्मद शाह फर्स्ट। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन बी सही है, रफी उद दरजात जो है यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह फर्स्ट, बी है आलमगीर सेकंड, सी कहता है शाह आलम सेकंड और डी कहता है अकबर सेकंड। तो भैया यहां पर आपका चौथा ऑप्शन अकबर सेकंड यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया। ए है सहादर शाह और बी है रफी उद वरजात और सी है शाह आलम द्वितीय और डी कहता है बहादुर शाह जफर। तो भैया यहां पर रफी उद वरजात जो है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। ए फरुखसियर, बी है रफी उद दराजत और सी कहता है मोहम्मद शाह और डी है रफी उद दौला। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ क्या है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड के पिता का नाम था। तो भैया यहां पर आपको बताना है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड के पिता का नाम क्या था। ए अकबर शाह फर्स्ट और बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां और डी है अकबर शाह सेकंड। तो भैया यहां पर आपका चौथा ऑप्शन अकबर शाह सेकंड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए प्रिय बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। ए है अकबर ने, बी है जहांगीर ने, सी कहता है बहादुर शाह ने और डी है फर्रुखसियर ने। तो भैया यहां पर आपका चौथा ऑप्शन फर्रुखसियर जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था। तो भैया यहां पर ए शाह आलम सेकंड, बी है आलमगीर सेकंड, सी है मोहम्मद शाह और डी है शाहजहां फर्स्ट सेकंड। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है ए शाह आलम सेकंड जो है मेरे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला क्वेश्चन, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अधोलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। बहादुर शाह यहाँ है घृणित का है और भी है जहांदर शाह और साहिब बेखबर और सी है फरुखसियर लंपट मूर्ख और डी कहता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो भैया यहां पर आपको बताना है कि इसका सही कूट क्या होगा। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि भैया अब ये बहादुर शाह को जो है ये है साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है और यहां पर
जहादार शाह जो है यहां पर आपका जो है लंपट मूर कहा जाता है, और यहां पर जो है सी की अगर हम बात करें फरुखसियर, यहां पर ग्रीक कायर जो है, और डी मोहम्मद शाह औरंगजेब। तो भैया यहां पर आपका जो है इस प्रकार से ऊट का जो है बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय हुआ था? ए मोहम्मद शाह, बी है अहमद शाह, और सी है फरुखसियर, और डी है जहांदार शाह। तो भैया यहां पर आपका मोहम्मद शाह जो है बिल्कुल राइट आंसर है।